वीडियोस, ये एक पार्ट पे हमने फ्यूजिंग को चिपकाया है, दूसरे पार्ट को हमने इसके ऊपर रखा है। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे ऊपर से। अब हम बैक पार्ट में भी हम इसके दूसरे हिस्से को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे किनारे किनारे पे हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमने एक हिस्से लाइनिंग के एक हिस्से पे फ्यूजिंग के बैक पार्ट को चिपकाया था, अब हम दूसरे पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे चारों साइडों पे इसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमने डबल पार्ट को ऊपर सेट करके यहाँ पे सारी साइडों पे पिंस लगा ली हैं। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। हमने जैकेट के तमाम पार्ट्स को स्टिच कर लिया है, इसके अंदर फ्यूजिंग है और ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे हमने लाइनिंग का कपड़ा यूज़ किया है। तो इस तरह से अब ये तैयार हो चुके हैं। तो इन तमाम पार्ट्स को अब हम इस तारेदार नेट पे कट करेंगे और उसके बाद हम जैकेट की सिलाई करेंगे। तो अब हम इसको खोलेंगे और इस तरह से हम इसको बिछाएंगे। ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये हमारे कपड़े की चौड़ाई है। यहाँ पे हम अपने पैटर्न को रखेंगे और उसके साइज के मुताबिक इस नेट को कट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने बैक पार्ट को रखेंगे और यहाँ पे हम स्लीव को रखेंगे और यहाँ पे हम पिंस लगाएंगे। पिंस लगाने के बाद हम यहाँ इसके साइज के मुताबिक हम नेक को कट करेंगे। पिंस हमने जैकेट के तमाम पार्ट्स को बच्ची के साइज के हिसाब से कट किया है। आप चाहें तो इन्हें बड़ा छोटा अपने साइज के हिसाब से कर सकते हैं। ये दोनों पार्ट्स को पिन अप कर लिया है। अब हम यहाँ से कटिंग शुरू करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारी स्लीव कट हो गई है। अब हम यहाँ से बैक पार्ट को कट करेंगे। व्यूअर्स, अब हमने बैक पार्ट को भी कट कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट्स को कट करेंगे। हमने दोबारा कपड़े को सेट करके अब दूसरे स्लीव और फ्रंट पार्ट को यहाँ पे पिन अप कर लिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, हमारे तमाम पार्ट कट हो चुके हैं। अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा नेट का पीस है और ये हमारा पैटर्न है। तो हम दोनों पिन अप किए हुए पीसेस को यहाँ वी नेक लाइन से लेके यहाँ से लेके और यहाँ राउंड शेप तक दोनों को सिलाई करेंगे। हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। Thank you.
व्यूअर्स, अब हम यहाँ से इजाफी कपड़े को कट करेंगे और अंदर कट लगाएंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे। व्यूअर्स, हमने इजाफी कपड़े को कट करके यहाँ वक्फे वक्फे से कट लगा लिए हैं। इस तरह से हमने सारी सिलाई पे कट्स लगाए हैं। अब हम इसको टर्न करेंगे। तो व्यूअर्स, ये इस तरह से हमारा फ्रंट का एक साइड तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड भी तैयार करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के दूसरे दोनों पीसेस को यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे। ये हमारा पैटर्न है और ये नेट की उल्टी साइड है, तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ भी ये छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर इसको टर्न करेंगे। हमारा दूसरा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया है। इसी तरह से अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और नीचे हमारा नेट का कपड़ा है। ये उल्टी साइड है, ये हमारा पैटर्न है। तो बैक साइड में हम सबसे पहले यहाँ गले पे सिलाई लगाएंगे और इसको टर्न करेंगे। अब हम इसको टर्न करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ कट लगाएंगे और उसके बाद टर्न करेंगे। व्यूअर्स, हमने गले पे सिलाई लगा के यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हम नीचे के नेट के कपड़े को इस तरह से इसके ऊपर टर्न करेंगे। और यहाँ पे गले पे ऊपर बड़े स्टिचेस की सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, ये सिलाई हम यहाँ किनारे किनारे पे लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ बैक पार्ट पे यहाँ राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे और दोबारा इसको टर्न करेंगे। हमने यहाँ पे अंदर सिलाई लगा के कट लगा लिए हैं। अब हम इसको दोबारा इस तरह से टर्न करेंगे। व्यूअर्स, इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। तो हमने गले की सिलाई और यहाँ राउंड शेप में सिलाई लगाने के बाद बैक पार्ट को टर्न कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को सेट करेंगे और यहाँ पे फ्रंट पार्ट को सेट करने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। और शोल्डर की सिलाई लगाने के लिए हम यहाँ से इस तरह से पहले पैटर्न को इस तरह से जोड़ के रखेंगे और यहाँ पे दोनों साइडों की नेट को इस तरह से पकड़ के इस तरह से जॉइंट करेंगे और यहाँ पे जॉइंट को जॉइंट से मिलाते हुए हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करने के बाद यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। हम पहले यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ तक लेके आएंगे और यहाँ हम जॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे पिन लगाएंगे। और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करें।
स्टूडेंट्स, हमने यहाँ एक साइड पे सिलाई लगा के इसको इस तरह से टर्न कर लिया है। इस तरह से ये हमारी एक शोल्डर की सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे दूसरी साइड की शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो इसको भी पहले की तरह यहाँ पे इस तरह से लेट के कपड़े को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ से टर्न करने के बाद हम यहाँ जॉइंट को जॉइंट से मिलाएंगे और यहाँ पिन लगाएंगे और फिर यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके हम यहाँ पे नेट के साथ यहाँ तक सिलाई को मुकम्मल करेंगे। तो अब हम इसको भी इस तरह से टर्न करेंगे। हमने शोल्डर की दोनों सिलाइयों को मुकम्मल कर लिया है। अब हम स्लीव की सिलाइयाँ लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे अटैच करेंगे। व्यूअर्स, अब हम स्लीव्स के दोनों पीसीज को, नेट को और पैटर्न को हम इस तरह से जोड़ के यहाँ कलाई की साइड से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको टर्न करेंगे। अब हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे। नेट को टर्न करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर पिंस लगाएंगे। यूज़ हमने स्लीव को टर्न करके यहाँ पे पिंस लगा ली हैं। यहाँ अभी हमारी दोनों साइड्स ओपन हैं, तो अब हम अपनी जैकेट को इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पे शोल्डर की सिलाई से स्लीव के सेंटर को मैच करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमने कट लगाया है, इस कट को शोल्डर की सिलाई से मैच करते हुए हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके पहले सारे यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके यहाँ तक लेके आएंगे। व्यूअर्स, अभी हम सिर्फ नेट पे सिलाई लगाएंगे। ये जो लाइनिंग का इजाफी मार्जिन है इसको बाद में हम ऊपर की तरफ टर्न करके हेम करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। अब हम यहाँ सेंटर से सिलाई स्टार्ट करके फिर दूसरी साइड को मुकम्मल करेंगे। तो हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे। हमने नेट की स्लीव को जैकेट के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद हमारा ये जो पैटर्न के साथ इजाफी कपड़ा है इसको हम इस आर्म होल की इस सिलाई के साथ इस तरह से टर्न करेंगे और इस तरह से टर्न करने के बाद यहाँ सुई धागे से हेम करेंगे। अब हम दूसरे स्लीव को यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और नीचे नेट के कपड़े को ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। व्यूअर्स, अब नीचे नेट के कपड़े को हम इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे। और यहाँ ऊपर हम इन साइडों पे पिन्ने लगाएंगे। हमने स्लीव के सेंटर में कट लगाए हैं, तो हम सिर्फ नेट के कपड़े को आर्म होल के साथ अटैच करेंगे
और बाकी इसके इजाफी कपड़े को हम बाद में अंदर की तरफ हेम करेंगे। तो हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ आर्म होल के साथ सेंटर से सेंटर मैच करते हुए हम यहाँ से सिलाई बैक तक लेके जाएंगे और सेंटर से सिलाई यहाँ से स्टार्ट करके फिर फ्रंट तक लेके आएंगे। हमने नेक की स्लीव को आर्म होल के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे और इसको इस तरह से टर्न करेंगे और अब हम ये पैटर्न के साथ जो इजाफी कपड़ा है इसको इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ सेंटर में पिन लगाएंगे। यहाँ सेंटर में पिन लगाने के बाद हम यहां से इसको इस तरह से दोनों साइडों से टर्न करने के बाद यहां सुई धागे से हेम करेंगे। व्यूअर्स, हमने दोनों साइडों से स्लीव्स को अंदर से हेम कर लिया है। अब हम यहाँ साइड की सिलाई लगाने से पहले जैकेट को इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे एक साइड से हम स्लीव से लेके यहाँ बैक साइड तक और यहाँ से लेके दूसरी स्लीव तक हम झालर का डिज़ाइन देंगे। उसके बाद हम साइड से हेम करेंगे। व्यूअर्स, झालर का डिज़ाइन देने के लिए हमने ये पाइपिंग ली है तो हम इसकी 11 इंच लंबी स्ट्रिप्स काटेंगे। हाफ इंच सिलाई में जाएगा और हाफ इंच इसकी टर्निंग होगी तो ये 10 इंच लंबी स्ट्रिप तैयार होगी। तो इसके दोनों साइडों से टर्न किए हुए किनारों को हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये 10 इंच लंबी स्ट्रिप्स तैयार करेंगे। ये हमने 11 इंच लंबी स्ट्रिप्स की कटिंग की है। अब हम इनको इस तरह से टर्न करके सिलाई लगाएंगे जिस तरह से हमने ये स्ट्रिप्स तैयार की हैं। इसी तरह से हम इनके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम ये स्ट्रिप्स इस तरह से पाइपिंग के साथ इस तरह से अटैच करेंगे। हमने दोनों स्लीव की सिलाई को अंदर से हेम कर लिया है। अब हम यहाँ साइड की सिलाई को हेम करने से पहले हम यहाँ बैक पे एक स्लीव की बैक से लेके यहाँ सेंटर बैक तक और यहाँ से लेके दूसरी स्लीव की बैक तक हम यहाँ पे झालर का डिज़ाइन देंगे। उसके बाद हम यहाँ साइड की सिलाई को दोनों साइडों से हेम करेंगे। व्यूअर्स, हमारी झालर तैयार हो चुकी है। हमने ये पाइपिंग की एक लंबी स्ट्रिप लेके उसके साथ 10-10 इंच की लंबी स्ट्रिप्स लेके इस तरह से इसको सिलाई करके इस तरह से इसके साथ अटैच किया है और अंदर से ये इस तरह से दिखाई देगी। इस तरह से हमने ये स्ट्रिप्स को अटैच किया है। अब हम इसको यहाँ इनर स्लीव की सिलाई से हमने कपड़े को फोल्ड किया है और इस सिलाई से जस्ट ऊपर हम इसको इस तरह से सेट करेंगे।
ये हमारी जैकेट की बैक साइड है, तो यहाँ बैक साइड में हम स्लीव में इस तरह से इसको यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ सेंटर बैक पे हम यहाँ हल्का सा वी शेप देंगे और यहाँ पे सेंटर बैक से लेके हम यहाँ से दूसरी स्लीव तक हम यहाँ पे दूसरी स्लीव तक इसको इस तरह से व्यूज अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूज अब हम यहाँ सेंटर से इसको हल्का सा इस तरह से टर्न करेंगे। व्यूअर्स अब हम यहाँ ऊपर भी स्लाइड लगाएंगे। व्यूज हमने चादर को अटैच कर लिया है और यहाँ डबल सिलाई भी लगा दी है। अब हम जैकेट को साइड से सिलाई करेंगे। व्यूज साइड से सिलाई करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके अंदर से सिलाई लगाएंगे। व्यूज अब हम सबसे पहले यहाँ ऊपर सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ दूसरी स्लीव को सिलाई लगाएंगे। हमने
यहाँ साइड पे ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है, दोनों साइडों पे हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगाई है। अब हम जैकेट को टर्न कराएंगे। व्यूअर्स, अब हमने जैकेट को उल्टा किया है, अब हम उल्टी साइड से यहाँ से स्लीव से सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, हमने एक साइड पे अंदर की तरफ सिलाई लगा ली है, अब हम इसी तरह दूसरी साइड से भी सिलाई करेंगे। व्यूअर्स, आप हमारी जैकेट की तमाम सिलाइयों को अंदर से देख सकते हैं, ये हमारी तमाम सिलाइयाँ हिडन हैं। हमारी पूरी जैकेट तैयार हो चुकी है, हमारी ये फ्रंट साइड ओपन है, तो हम यहाँ हुक लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ डोरी या बटन कुछ भी लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये जैकेट स्टिचिंग की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ग्लैमरस डिज़ाइनिंग वीडियोज़। आप हमें व्हाट्सएप अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।